हेलो फ्रेंड्स, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल की वजह से आपको गंजेपन का शिकार होना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सा हेयर पैक बताऊंगी। आपके बाल सॉफ्ट होंगे, सिल्की होंगे, स्मूथ होंगे और जो आपको हेयर फॉल जो हो रहा है वो भी इस पैक को लगाने के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस पैक को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा बेसन। बेसन बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आप 4 से 5 चम्मच बेसन ले लीजिए। और इसके साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होगा अंडा। आप एक अंडा ले लीजिए और इसको फोड़ के बेसन में मिला लीजिए। इसके बाद हमें इसमें चाहिए दही। आप दही खट्टा मीठा जैसा आपके घर पर हो आप वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले थोड़ा दही डालूंगी, करीब ये 3 चम्मच के करीब दही मैंने इसमें डाला है। इसके बाद मैं इसमें 1/2 लेमन जूस को ऐड करूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं आपको इसकी गुडनेस आगे बताऊंगी जब मैं अपने बालों में इस मास्क को अप्लाई करूंगी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा पैक थोड़ा गाढ़ा है तो अभी हमें इसमें थोड़ा सा दही और मिलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले दही को कम मिलाया था। इस वजह से कहीं ज़्यादा पतला ना हो जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा जब हम बालों में लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टपकेगा। इसलिए देखिए अभी सही से मिल नहीं पाया है तो हम इसमें थोड़ा दही और ऐड कर देंगे। तो ये एक पैकेट में से मैंने आधे से ज़्यादा दही को ऐड किया है, वो भी 2 बार में। अब हम इसको और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मास्क अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको किस तरीके से हेयर में अप्लाई करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप जब इस हेयर पैक को अपने बालों में अप्लाई करें तो आपके बालों में कोई भी ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, और उससे पहले आप अपने बालों को अच्छे से काट लें ताकि आपके बाल बिल्कुल भी उलझे ना इस हेयर पैक को लगाते हुए। आप अपनी मांग निकाल निकाल के इसको अप्लाई कर लीजिए स्कैल्प में। मैं इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ, आप इसको पूरे बालों में भी लगा सकते हैं। अब हम बेसन की गुडनेस की बात करें तो बेसन में तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता ही है जो हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और ये बालों के लिए नेचुरल क्लेंजर का इस्तेमाल करता है जो हमारे बालों में मौजूद गंदगी होती है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। बेसन बालों को लंबा बनाता है, घना बनाता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है, इसलिए हमने हेयर और ये हेयर फॉलिक कल्स को मजबूत बनाता है। और बेसन में कोई केमिकल नहीं होता है तो इसको बालों में लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से हम बेसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने आगे स्कैल्प में लगा लिया, अब मैं पीछे के बालों में लगा रही हूँ। इस तरीके से पूरे स्कैल्प में बालों में लग जाएगा अच्छे से। आपके बाल कितने भी ड्राई हों तो उनको सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा और सिल्की शाइनी बनाएगा। आप इस पैक को हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करें। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं तो आप 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स इसको आधे से 1 घंटे अपने बालों में रखना है, और उसके बाद आप चाहें तो हल्के गुनगुने पानी से अपने सिर को वॉश कर सकते हैं, या फिर आप ठंडे पानी से भी अपने सिर को वॉश कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से जूड़ा बना लिया और अपने पूरे बालों में अप्लाई कर लिया है। और
आप जब ये 30 मिनट हो जाए इसके बाद आप शैम्पू से, किसी भी हर्बल शैम्पू से आप अपने सिर को वॉश कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुँचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाएँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।